दोस्तों, महाबली भीम ने महाभारत के कई योद्धाओं का वध किया और कुछ को पराजित और घायल भी किया। महाबली भीम ने एक बार द्रोण के रथ को 13 बार तोड़ा, अंगराज कर्ण को एक बार घायल किया, यहां तक कि कर्ण घायल होने पर कुछ समय के लिए युद्ध से पीछे तक हट गए। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मजा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्ण, द्रोण और अन्य महारथियों ने भीमसेन को कब हराया। तो सबसे पहले बात कर्ण की करते हैं। कर्ण ने भीम को 11 बार हराया। दोनों ने लगभग 5-6 बार युद्ध किया। भीम 4 बार पराजित हुए और कर्ण 2 बार पराजित हुए। दोनों ने एक दूसरे को जीवन दान भी दिया। पहले भीम ने जीवन दान दिया था क्योंकि कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। कर्ण कभी भी अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव भाई से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध नहीं करता था क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव भाई से पूरी ताकत लगाकर युद्ध नहीं करेगा और जीवन दान देगा। अब वही पितामह भीष्म ने भीम को 4 बार हराया। अश्वत्थामा ने 3 बार, राजा भागवत ने 4 बार, क्रूर द्रोण ने 6 बार और कृतवर्मा ने 2-2 बार हराया। दुर्योधन ने तो भीम को 5 बार हराया था। अब एक सवाल ये भी है कि क्या भीमसेन ने अंगराज कर्ण को धनुर्विद्या में कुरुक्षेत्र युद्ध में हरा दिया था? तो इसका जवाब है जी हाँ। भीमसेन ने अंगराज कर्ण को धनुर्विद्या में कुरुक्षेत्र युद्ध में और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ करने से पहले भी हराया था। आपने कभी भी टीवी सीरियल्स में नहीं देखा होगा कि भीम एक अच्छे धनुर्धारी भी थे। भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अंगराज कर्ण को धनुर्युद्ध में परास्त किया था। भीम के बाण के प्रहार से राधे कर्ण अचेत होकर अपने रथ पर ही गिर गए थे। अंगराज कर्ण की हार से कौरव की सेना, दुर्योधन तथा सम्राट धृतराष्ट्र भी चिंता में पड़ गए थे। अब ऐसी ही एक और महाभारत की घटना है जब भीम ने किया 4 महारथियों का कहके वध। यकीन मानिए, देख के मजा आ जाएगा। तो उस वीडियो को अभी क्लिक करके जरूर देखें और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।